अच्छा मैं ऐसे ही बोले जा रहा था अभी तक आवाज नहीं आ रही थी चलो जी गुड मॉर्निंग जय हिंद कैसे हो आप लोग सुप्रभात सबको हवा यू ऑल आई एम शेयरिंग द सेशन टिल दैट टाइम प्लीज सबमिट योर होमवर्क टिल दैट टाइम प्लीज सबमिट योर होमवर्क प्लीज आई एम शेयरिंग द सेशन लॉन विथ लगा, बहुत सारे बच्चों ने देखो मैंने क्या बताया था आप थोड़ी सी मेहनत करोगे आपके साथ साथ और बच्चे मेहनत करेंगे एंड अल्टीमेटली सबका काम बन जाएगा तो जो अपनी कल वाली क्लास थी कहा गया हा जो अपनी कल वाली क्लास थी अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे बच्चे देखो सब बच्चों ने सही सही एकदम मतलब मैंने लगभग सारे कमेंट्स पढ़ लिए थे राइट उत्तर प्रदेश की सीट्स लोकसभा अच्छा उत्तर प्रदेश पंजाब उत्तराखंड मणिपुर गोवा इनकी सीट्स अभी के लिए इंपोर्टेंट बन जाते बिकॉज इनमें रिसेंटली इलेक्शन है राइट तो ये, ये बच्चे हुआ ठीक है इसके अलावा देखो मैंने पढ़ा है सारा ठीक है महाराष्ट्र की सीट बच्चे ने लिखी है तो ऐसे बिहार की सीट्स लिख दी है मैं तो आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली सब सारे स्टेट्स की सीट्स आपको बच्चे मिल गई है ये देखो हरियाणा की देख लो हिमाचल प्रदेश की देख लो ठीक है बहुत ही बेहतरीन उत्तर प्रदेश की दोबारा से बिहार की दोबारा से बिहार महाराष्ट्र हरियाणा राजस्थान बिहार मध्य प्रदेश वाओ वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश इससे ये पता लगता है कि कितने अलग अलग स्टेट से कितने अलग अलग स्टेट से बच्चा पढ़ रहा है राइट तो होमवर्क आपने थोड़ा सा करा बाकी सबकी मेहनत से आपका काम हो गया ठीक है तो दिस इज नोन एज कलेक्टिव एफर्ट्स ठीक है भाई लोकसभा राज्यसभा एमएलए एमएलसी की सीट सबको बतानी थी बहुत सारे लोगों को कमेंट्स में ये भी डाउट था कि सर ये एमएलसी क्या होता है बच्चे एमएलसी किसी टॉपिक में आएगा डिटेल में समझा दूंगा सिर्फ छह स्टेट्स में आज के टाइम पे एमएलसी एग्जिस्ट करता है यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में करा करता था अब नहीं करता बिकॉज अब वो स्टेट ही नहीं रहा है ठीक है तो इन छह स्टेट्स में एमएलसी एग्जिस्ट करता है किसी भी कहीं भी जगह मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जब भी मेरा मौका पड़ेगा कुछ टॉपिक आएगा शुड वी स्टार्ट टूडे टॉपिक एक तो ना ये लैग कर रहा है मैं इस लैगिंग को करने के लिए एक सेकंड का बफर करा रहा हूं बच्चे एक सेकंड का आई होप कि अब चीजें ठीक होंगी आई होप कि अब चीजें ठीक होंगी चलो जी ओके लेट्स स्टार्ट इट हाँ देखो जी आपको पता है रशिया के रशिया जो कल करा था मैंने बताया था ए, दो कंट्रीज uh, को उसने दे दी थी बेसिकली यूक्रेन को तीन पार्ट में तोड़ दिया था। उसके तहत मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि यूएसए ने सेंशन लगा दिए थे है ना अच्छा क्या सर यूएसए ने पहली बार सेंशन लगाए हैं अरे भाई ये 2014 से सेंक्शन चली रहे है, हटे इस पे. हैं हटे थोड़ी ने इसपे दो हजार जब रशिया ने क्रीमिया पे वोर करा था तभी सेंक्शन लग गए थे और वो इतने खतरनाक थे कि आपने नाम सुना होगा जैसे इस बार आया था जी सेवन कंट्रीज अगर आप किसी ने एनडी का पेपर दिया एनडी टू टू जीरो टू वन में आया था जी सेवन मेंबर इनमें से कोई कौन नहीं है ठीक है तो पहले जी सेवन जी एट हुआ करता था दो हजार चौदह की जब उसने क्रीमिया पे कब्जा करा था रशिया ने तो उसको जी एट से निकाल दिया था तब से जी सेवन बनी है मतलब पॉइंट इस तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तब भी पुतिन जी नहीं माने तो अब क्या मानेंगे अब सेंशन को लेकर बात आई मैंने कल भी एक बात बताई थी मैंने बात तो सुनो मैंने कल भी एक बात बताई थी कि तो तब से चल रहे हैं लेकिन फिर भी सारे ट्रेड होते हैं ट्रेड सर कैसे होते हैं क्या इंडिया रशिया के साथ ट्रेड नहीं करता है जबकि तो यूएसए से बोलते हैं या तो यूएसए के साथ सेंशन करोगे या फिर रशिया मतलब यूएसए के साथ ट्रेड करोगे या रशिया के साथ ट्रेड करोगे अल्टीमेटली हम दोनों के साथ कर रहे हैं जब ये सारी बातें आई जब सेंशन 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 चिल्लाए जाने लगा तो हमारे सबसे पहली चीज जो रशिया से हम बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं वो क्या है बच्चे डिफेंस में डिफेंस में एस चार सो तो क्या निकल के आया यूएस सेंशन ओवर यूक्रेन बोन स्टॉप एस चार सो डिलीवरी ये हमारे ऑफिसर ने बोला बताओ जी मैं थोड़ा सा पानी लेकर आता हूं बस थोड़ा सा गले मेंटक गया पानी लेकर आता हूं समझ में आई बात हाँ जी बात समझ में आई अब जब एस चार सो सर एस चार सो क्या है तो चलो जी सबसे पहले एस चार सौ देख लेते हैं ये फोटो आपने बहुत जगह देखी होगी एस चार सौ की इसकी पहली डिलीवरी अपने पास आ भी चुकी है एस चार सौ की कहाँ पे डिप्लॉय करी है नीचे लिखा हुआ है देख लो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि कहाँ पे हमने पहला एस चार सौ लगाया है ये पंजाब में लगाया है एस चार सो क्या है भाई बेसिकली जिस जगह पे एस चार सौ लग गया है वो मिसाइल अटैक से एकदम सेफ हो गया है एस चार सो इज़ अ मोबाइल सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन बाय रशिया इट इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनल डिप्लॉइड मॉडर्न रेंज इन द वर्ल्ड ठीक है ये अच्छा दिक्कत क्या है यू से कभी नहीं चाहता था कि हम मेरी बात तो सुनो यू कभी नहीं चाहता था कि हम एस चार सौ ले क्यों वो देखो ये सब ना सिर्फ ऐसा नहीं है भाई बंधु कोई नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कोई अपना फायदा देख रहा होता है वो चाहते थे अरे एस में क्या रखा है ये लो लो थर्ड थर्ड सिस्टम सिस्टम क्या है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थर्ड सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम ये जो थर्ड सिस्टम है ना ये डिजाइंड बाई यूएसए है काम इसका भी सेम है लेकिन से कहीं नीचे है वो कहते हैं कुछ नहीं रखा है में तुम थर्ड लो थर्ड उसको क्या मिलेगा यूएसए को यूएसए को मिलेगा रोकड़ा उसको रोकड़ा चाहिए तो हमने थर्ड लिया नहीं हम बोलेंगे हम तो मोस्ट एडवांस लेंगे भाई हम तो मोस्ट एडवांस लेंगे और रशिया ने क्लियर कर दिया था कि आप नहीं तो हम पाकिस्तान को बेचेंगे तो पाकिस्तान को अपने से ज्यादा डेवलप चीजें कैसे चाइना ऑलरेडी ले चुका है चार चाइना के पास ऑलरेडी है पाकिस्तान के पास भी चार आ जाता है हमारे पास थर्ड रहता तो हम तो बच्चे कमजोर हो जाते हैं हम तो बच्चे कमजोर हो जाते हैं तो अल्टीमेटली है तो एस चार सौ की बात आई तो एस चार देखो जो बच्चा बार बार पूछ कि, सर, ये क्या होते हैं है, बच्चे यूएस से लगाता है, तो यूएस से ट्रेड सेंक्शन अगर आप मैंने रशिया पे सेंशन लगा दिए है अगर आप रशिया के साथ कोई ट्रेड करोगे तो जी आप मेरे साथ कोई ट्रेड नहीं करोगे मेरे जितने भी अलाइ कंट्रीज है उसके साथ कोई ट्रेड नहीं करोगे दिस इज द मीनिंग ऑफ यूएस ट्रेड सेंक्शन क्लियर है ओपी ओपी चलो जी तो एस चार तो बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए हमने पंजाब में पहला वो कर भी दिया है 2022 में एग्जैक्ट मंथ तो अभी नहीं डिक्लेयर हुआ कब लेकिन 2022 में इसकी सेकंड डिलीवरी आएगी कुछ नहीं पता है कि अभी हम कहां पे उसको डिप्लॉय करने वाले हैं ठीक है ये मैंने न्यूज दो तीन दिन पहले भी कवर करी थी अगर कर आपको याद हो तो गवर्नर जगदीप धनकर जी वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनकर देखो जो भी गवर्नर न्यूज में है है ना फिर वो इंपॉर्टेंट बन जाता नॉर्मली तो हर स्टेट के गवर्नर और हर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको याद करने की जरूरत नहीं है तो अपॉइंटमेंट है या कोई बहुत ज्यादा न्यूज में है तो इट बिकम इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अगर आप आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इट बिकम योर यग्जामेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दैट स्टेट एग्जाम ठीक है तो वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर काफी न्यूज में है इन्होंने इन्होंने बोला कि अभी तक मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई है टू संबंध द असेंबली अब बोलोगे ये क्या होती है सर उधर से ममता बनर्जी कह रही है कि ए, मैं तो रिक्वेस्ट भेज चुकी हूं ये कह रहे हैं कि अभी तक मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है ठीक है ओके बच्चे 2021 में आई थी पहली डिलीवरी एस चार की सुनो मेरी बात तो अच्छा बात सुनो गवर्नर्स पावर टू सम्मन द सेशन पहली बात तो इस बात को समझो कि सम्मन क्या होता है पहले इसको सम्मन को समझो समनिंग इन द प्रोसेस अच्छा ये पार्लियामेंट में भी होता है बच्चे स्टेट लेजिस्लेचर में भी होता है पार्लियामेंट में जो राइट प्रेजिडेंट के पास है स्टेट में वो राइट्स गवर्नर के पास है तो मैं पार्लियामेंट रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ स्टेट लेजिस्लेचर से भी आप कंपेयर कर लेना समनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोलिंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भाई साहब पार्लियामेंट के मेंबर्स को बुलाना कि चाचा आ जाओ ये अपना सेशन लगा रहे हैं पार्लियामेंट सेशन लगा रहे हैं आ जाओ बुलावा बुलावा गाँव में बोलते हैं ना बुलावा लगवा दो भाई बुलावा तो समन इज बुलावाज बुलावा अब है क्या ममता ममता बनर्जी कह रहे हैं गवर्नर को अरे बुला लो ना भाई बुला लो ना बुला लो ना ये कह रहे हैं मैं तो तब बुलाऊंगा जब मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटर्न में देगा आर्टिकल 174 सेवेंटी फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है गवर्नर को टू समन डिजोल्व एंड प्रोरेग द स्टेट अस, लेजिस्लेटिव असेंबली अभी तो समन को समझो ये डिजोल्व एंड प्रोरे बताऊंगा मैं ठीक है ये आर्टिकल गवर्नर को पावर देता है खैर 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक केस में यह बात डिसाइड करी गई कि भाई साहब गवर्नर के हाथ में ये एक लोती पावर नहीं होनी चाहिए गवर्नर सिर्फ तब बुलाएगा जब उसको बात तो सुनो ओए बात तो सुनो जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करेगी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी बुला लो तब वो बुलाएगा अब ममता बनर्जी ने इनको बोला कि चाचा बुलाते क्यों नहीं तुम बुलावा क्यों नहीं लगा रहे ये बोला पहले मुझसे काउंसिल मिनिस्टर में रिटर्न दो अब उस ममता बनर्जी ने खुद लिख के दे दिया कि अहम ब्रह्माशमी इन्होंने बोले ना हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चाहिए तुम कौन तुम काउंसिल मिनिस्टर की हेड हो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम ही काउंसिल मिनिस्टर हो ये सारा मामला चल रहा है क्या आपको न्यूज समझ में आई या नहीं आई क्या आपको न्यूज समझ में आई कि नहीं आई जल्दी बताओ ओवर ऑल है क्या न्यूज आपको आ गई गवर्नर की पावर आपको पता लग गई अब आपको यह और चीज बता देता हूं समन मैंने बता दिया बुलावा एडजेंटमेंट आपने टीवी में देखा होगा कोर्ट में द कोर्ट इज एडजेंट फॉर द डे ऐसा सुना होगा ना कोर्ट इज एडजेंट फॉर द डे एडजेंट का मतलब होता है टर्मिनेट करना टर्मिनेट करना ये कितने भी टाइम के लिए टर्मिनेट हो सकती है मैं कोर्ट के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं लेकिन सेम काम गवर्नर कर सकता है फॉर स्टेट असेंबली ये घंटों के लिए डेज के लिए वीक्स के लिए एडजन हो सकती है जब बोलते गवर्नर एडजन साइन डाई एडजन साइन डाई तो भाई साहब टर्मिनेटिंग द सेशन बाय इनडेफिनेट पीरियड टर्मिनेटिंग द सेशन बाय इनडेफिनेट पीरियड प्रोरोगेशन गवर्नर बोले प्रोरोगेशन इसका मतलब है टर्मिनेटिंग द uh, जो एग्जिस्टिंग सेशन नोट द सिटिंग सेशन टर्मिनेट हो गया सेशन इस बार के लिए खत्म टाटा बाय बाय अब अगले सत्र में मिलेंगे अगले सेशन में मिलेंगे बोला अरे समझ आ रहा है डिसोल्यूशन जब किसी असेंबली का टाइम पीरियड हो जाए टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो बोल सकते तो गवर्नर बोलता है असेंबली इज डिजोल्ड और अब अगले इलेक्शन के बाद नए असेंबली में मिलेंगे पेपर के प्रश्न है ये मजाक नहीं है ये दीज आर दी क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके इनके मीनिंग इसका क्या मतलब होता मतलब है क्या मतलब होता है एनडी में भी सी डी एस में भी एस एस सी में भी एफकेट में भी इनके मैं वो देख चुका हूं मैं कौन बच्चा एफकेट की तैयारी कर रहा है मैं थोड़ा सा पे भी गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा मतलब बेसिकली डिफेंस के हर एग्जाम के लिए गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे अब देखते जाओ तुम थारा भाई सुमित डिफेंस एग्जाम में आग लगा देगा आग चलो ओपी मामलों चले क्या देख रहे हो अरे क्या देख रहे हो खाज टेंपल टेम्पल को देखना है अरे खाजूराव टेंपल को देखना है सुनो ये मैंने क्यों डाल दिया बिकॉज मुझे याद है मैं एक पेपर दिया था मैंने आज कई साल पहले उसमें आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द हेरिटेज साइट Which ऑफ द फॉलोइंग इज not द हेरिटेज site? sites? ठीक है तो जी ये खाजुराव टेम्पल का दृश्य है ठीक है यहाँ पे डांस फेस्टिवल चल रहा था तो लोग डांस कर रहे हैं ठीक है तो खाजराव टेम्पल्स कहां पे लोकेटेड है एमपी में लोकेटेड है वो क्वेश्चन याद आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक होमवर्क दे दें आपको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया बतानी है मुझे पता है लंबी लिस्ट हो जाएगी आप कॉपी पेस्ट ही मारोगे लेकिन कोई बात नहीं मारो कोई बात नहीं कॉपी पेस्ट मारो सुन रहे हो क्या होमवर्क है होमवर्क नोट डाउन करो फटाफट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में चालीस है लास्ट की दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी रिसेंट कंसिडर हुई है इससे पहले अड़तीस हुआ करती थी छह महीने पहले करंट अफेयर देखोगे उसमें बोलूंगा अड़तीस साइट अड़तीस साइट अड़तीस साइट ठीक है तो जी आप चाहे कॉपी पेस्ट ही मान लेकिन एक बार पढ़ोगे तो सही पढ़ोगे तो सही तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट देनी है बिकॉज पेपर में प्रश्न आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसे क्वेश्चन आ रखे मैंने खुद दिए थे और उस टाइम पे बता दू मुझे खाजू का नहीं पता था दो हजार की बात है ठीक है खुद मुझे नहीं पता था और मैंने आंसर मैं आंसर गलत करके आया था बस जो सबसे लास्ट है जो फोर्टीथ है वो धोलावीरा है बच्चे धोलावीरा इज अ इंडस वैली साइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलू एस चार सो को कितनों, कितने कितने में पड़ा है देखना पड़ेगा एल डब्ल की कितने एग्जैक्ट रुपए हमने दिए हैं रूपए के लिए होमवर्क क्लियर है सारे बच्चे करके आएंगे होमवर्क और यहां पे खाजी राव पे ध्यान दो तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहा है नो लोकायुक्त इन दिल्ली सिंस 2020 कांग्रेस ने बोला कांग्रेस ने बोली कि जिस मुद्दे पे ये लोग आए थे अब वही नहीं कर रहे हैं आपको पता है ना 2013 में अन्ना जी ने आंदोलन करा जिसमें अरविंद केजरीवाल भी पार्टी वो आंदोलन किस लिए था वो आंदोलन था बच्चे कि देश में लोकपाल एंड लोकायुक्त अपॉइंट होने चाहिए प्लीज ट्राई टू तो अंडरस्टैंड वट इज लोकपाल एंड वट इज लोकायुक्त एक बात समझो जी लोकपाल होता है बच्चे लोकपाल जो होता है बच्चे ये होता है सेंटर के लिए और जो लोकायुक्त होता है लोकायुक्त जो होता है वो होता है स्टेट के लिए काम दोनों के सेम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में करता है या स्टेट गवर्नमेंट में करता है अब बोलोगे जी क्या है वो बोलोगे जी क्या है 2013 में बिल पास करा गया था बच्चे लोकपाल लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल पास करा गया था आफ्टर अन्ना जी आंदोलन 2014 में ये फाइनली पार्लियामेंट में पास हो गया था और प्रेसिडेंट ने इसको साइन भी कर दिया था 2014 में इट बिकम एन एक्ट कि जी हर स्टेट में एक लोकायुक्त होगा सेंटर में लोकपाल होगा क्या काम था ये काम करता था आ, की से हमने कॉन्सेप्ट लिया था बेसिकली किसी भी टाइप की कंप्लेन रिलेटेड टू करप्शन किसी भी पब्लिक पुल, ऑफिस के अगेंस्ट अगर हो जाती है तो उसकी इंक्वायरी करने का काम था बच्चे लोकपाल का एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक को ये इंक्वायर कर सकती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक को इंक्वायर कर मतलब ठीक है है जी अब हुआ क्या जी एक जो इसका जो लोकपाल जो बंदा ए, हम अपॉइंट करा जाएगा वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर कोई बहुत ही जबरदस्त पर्सनलिटी होगा प्रेसिडेंट के नजर में जिसका कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस है इस टाइप की चीजों के रिगार्डिंग मिनिमम जिसका पच्चीस साल का एक्सपीरियंस है ठीक है जी इसकी टर्म पांच साल तक तो होगी या फिर मैक्सिमम सत्तर साल तक इसकी एज होगी आर्यो अंडर ये सारे पेपर के प्रश्न है ठीक है जी तो जी अब एक हुआ कि लोकपाल कैसे अपॉइंट करे जाएंगे ठीक है और उसके मेंबर्स कैसे अपॉइंट करे जाएंगे जी एक सर्च कमेटी बनेगी ठीक है वो फाइनली बताएगी सॉरी सिलेक्शन कमेटी बनेगी वो बताएगी कि जी किसको हम लोकपाल बना रहे हैं ठीक है जी तो ये कमेटी की ये देखो हाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कमेटी में कौन कौन होगा सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा प्राइम मिनिस्टर होंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर जज नोमिनेटेड बाय हिम एंड एक एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट सारे क्वेश्चन पेपर के सारे के सारे जब भी लोकपाल न्यूज में आएगा इतनी चीज आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए अब देखो दिक्कत क्या थी दिक्कत ये थी हमने बिल तो पास कर दिया लेकिन इस कमेटी में अगर आप देखोगे तो जी अपो अपोजिशन लीडर इन लोकसभा कल की क्लास याद है मैंने क्या बताया था लोकसभा ही नहीं है लोकसभा का पोजीशन लीडर ही नहीं है तो जी हमने बोला उफ इस ये जो सिलेक्शन कमेटी है यही पूरी नहीं हो रही हम कहां से अपॉइंट करें जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी तो हम कहां से अपॉइंट करें तो जी 2016 में अमेंडमेंट हुआ कि जी अपोजिशन लीडर ना हो तो ना हो आप इसकी जगह अपॉइंट करो जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है मतलब अपोजिशन पार्टी तो कहना सही नहीं है जैसे अभी कांग्रेस है अपोजिशन पार्टी नहीं बन पाई लेकिन लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर गवर्नमेंट है तो जी उसके लीडर को आप इसका मेंबर बनाओ और और फिर फाइनली अपॉइंट करो तो जी 2019 में मतलब 2014 में बिल बन आ गया था लोकपाल का और 2019 में जाके हमने पेंकाई चंद्र घोष जी को अपना पहला लोकपाल अपॉइंट करा था ठीक है जी स्टेट वाइज लोकायुक्त के नाम आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है बिकॉज स्टेट वाइज नहीं पूछेगा लोकपाल पता होना चाहिए लोकायुक्त के नाम स्टेट वाइज अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तो पता हो या फिर अगर बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा तो पता हो वरना नॉर्मली आपको नीड नहीं है वरना नॉर्मली आपको नीड नहीं है ठीक है तो अब ये न्यूज आई दिल्ली के लोग लोकायुक्त की तो मैंने साहब बता दिया ये ज्यादा बड़ी न्यूज क्यों है ज्यादा बड़ी इजीली है बिकॉज अरविंद केजरीवाल जी खुद इसी मूवमेंट से निकल कर आए हैं और अभी तक की पोस्ट वैकेंट क्यों है फिर बोलो ओपीए सर मामला बोलो ओपीए बहुत ही बेहतरीन आगे चलो फटाफट आगे चलो मिलान बोलते हैं मिलन बोलते हैं जो भी प्रोनाउंस करते हो अच्छा एक ना बहुत ही जल्दी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो शूट कर रहे हैं पहले भी वीडियो शूट कर चुका हूं मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा मैं कि गांव का छोरा के के कर सकता है जो छोरा गांव से निकला और आज क्या, क्या क्या कर रहा है अपनी जर्नी मैं आपको शेयर करूंगा शूटिंग उसकी शायद सैटरडे संडे में होगी फिर देखते हैं कब उसको फाइनली पब्लिश करेगा वो ठीक है जी तो मिलन ये क्या है भाई ये 25 फरवरी से 4 मार्च के बीच में एक्सरसाइज होनी है वहां पे यूक्रेन एंड रशिया में पहले टेंशन चल रही है यहाँ पे क्वाड कंट्रीज क्वाड कंट्रीज आपको पहले बता चुके हैं जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए फ्रांस म्यांमार साउथ कोरिया वियतनाम और भी बहुत सारी कंट्री विशाखापट्टनम आ चुकी है फॉर द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान जिसको इंडियन नेवी होस्ट कर रही है रशिया ईरान इसराइल सऊदी अरेबिया ये भी पहुंच चुके हैं इट इज दोटल फोर्टी टू कंट्रीज बच्चे पार्टिसिपेट करेंगी पहली बार यूएसए इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है पहली बार इसमें यूएसए बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहा है क्लियर है बाबू थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है थीम ऑफ मिलान दो हजार बाइस एक्सरसाइज इज कोम कोशन कोलाबरेशन विच एम्स टू तो प्रोजेक्ट इंडिया इज मैरिटाइम पावर टू द वर्ल्ड एट एट लार्ज क्लियर बाबू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं पेपर के प्रश्न बता रहा हूं दो बताइए मिलन 2022 हजार बाईस कहां पर हुई दो 2022 में कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट करा बिलन 2022 की थीम क्या थी मिलन 2022 है क्या यह पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बच्चे बिकॉज जब इतने सारे कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं तो भाई ऑब्वियस बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बच्चे क्लियर है बाबू आगे चलू मैं आगे चलू चलता हूं तेजस टू टेक पार्ट इन कोबरा वॉरियर इन यूके अब ये ई का बला है भाई साहब ई बला सुन लो का है इंडियन एयरफोर्स विद डिप्लॉय इंडिजिन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट है तेजस जिसको ना पता हो पचास का कम से कम करंट अफेयर में करा चुका हूं फॉर इट्स मल्टीलेटल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर पेपर में आपने देखा होगा मिलिट्री एक्सरसाइज आती है आपने देखा होगा पेपर में मिलिट्री एक्सरसाइज आती है तो बच्चे वो वही मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो कि न्यूज में होती है तो जी कोबरा वॉरियर न्यूज में तो पेपर का प्रश्न जी कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज किस किस के बीच में है भाई इंडिया यूके लेकिन उसके साथ और और भी कंट्रीज है बेल्जियम सऊदी अरेबिया स्वीडन यूएस ठीक है छह मार्च से सत्ताइस मार्च ये सत्ताईस मार्च तक होने वाली है ये पांच तेजस एयरक्राफ्ट यूके चले गए हैं तो इसमें भी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ है आपको पता होना चाहिए कोबरा वॉरियर कौन से एक्सरसाइज है कहां पर हो रही है इंडिया की तरफ से कौन सा वो गया है क्लियर बाबू क्लियर बाबू अच्छा जब जब इंडिया यूके की बात हो गई हो रही है तो एक काम करते हैं कोई मिलिट्री एक्सरसाइज इनके बीच में है तो वो और देख लेते हैं बच्चे इंडिया यूके के बीच में कौन एक्सरसाइज एंड इंद्र एक्सरसाइज कौन कन एक्सरसाइज एंड इंद्र धनुष एक्सरसाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर जो आते हैं मैं लास्ट में वैसे आपके पेपर से पहले एक वो डाल दूंगा जिसमें मैं यही बात करूंगा कि भाई साहब ये ये, ये वाली एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में ये वाली एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में है यही बात हम करने वाले हैं ठीक है लेकिन जो जो देखो ये तरीका यही है कि अगर कोई एक्सरसाइज न्यूज में आई है किसी दो कंट्री के बीच में तो उस दो कंट्री के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज है वो भी साथ साथ ही कर लिया करो बहुत ज्यादा फायदा रहता है बच्चों से ठीक है जी हो गया अच्छा बहुत बच्चा बार बार कमेंट में बहुत बच्चे बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाएं कर अफेयर के बच्चे आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं ये पीडीएफ एज इट इज आपको इतनी ही बेहतरीन तरीके से जो मैंने बनाई है रोज के ढाई घंटे लगते हैं इस पीडीएफ को बनाने में मैं इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं बस वहां पर एक बार थ्रू करनी है कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स वगैरह बनाओ इन सब चीजों के करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाते ही रह जाओगे बच्चे ना नहीं बनाने आपको आपको सिर्फ इस पीडीएफ पे पीडीएफ से गो थ्रू करना है बच्चे बस और कुछ भी नहीं हां जी एयरक्राफ्ट को लेकर बहसबाजी चल रही थी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बहसबाजी चल रही थी मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक बात बताई थी सुन लो थोड़े दिन पहले आपको एक बात बताई थी अगर आपको याद हो तो विक्रांत जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड अपना डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ठीक है जी थोड़ी सी अब एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर ले हिस्ट्री दोहरा ले इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था बच्चे आईएनएस विक्रांत वो डीकमीशन होने के बाद अब हम खुद का बना रहे आई एन विक्रांत तो पहला था बच्चे आईएनएस विक्रांत 1961 में बच्चे आया था उसके बाद आईएनएस विराट आया था नाइनटीन में ठीक है जी दोनों को डी, डी कर दिया गया है ठीक है आज के टाइम पे इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज आई एन एस विक्रम आदित्य जो कि रशिया ने हमें दिया है अब हम विक्रांत बना रहे हैं तो दो हो जाएंगे अब बातचीत चल रही है हमें तीसरा भी लेना चाहिए तीसरा भी लेना चाहिए देश की सेक, सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए हमें तीसरा भी लेना चाहिए तीसरा भी लेना चाहिए ये वाली बातचीत चल रही है तो आपसे आपको इसमें मैं ये नहीं आपका ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूं इसमें कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बस अभी अपने पास कौन कौन से पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि विक्रांत पहला था अपना, था अपना विराट दूसरा दोनों डीकमीशन हो गए आज के टाइम पे विक्रम आदित्य एग्जिस्ट कर रहा है और इसके अलावा हमें आई विक्रांत अपना खुद का बना रहे हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीग्राम का लिंक में पिन भी कर देता हूं बच्चों उसकी टेंशन मत लो चौबीस सौ बंदे उससे हमारे जुड़ चुके हैं क्लियर है आगे चल लू हिजाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नोट ऑफ रिलीजन कैन बी कब्ड ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन के दो अलग अलग चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स right से बात करो राइट टू फ्रीडम 19 से 22। राइट टू फ्रीडम ऑफ 25 से 28 दो अलग अलग आर्टिकल दो अलग अलग फंडामेंटल राइट्स अगर आप आर्टिकल 19 की बात करो तो उसमें आर्टिकल 19 में है बच्चे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आपको किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो क्या क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप जो आपका दिल चाहे वो आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी आप बोल सकते हैं क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट अवेलेबल है बच्चे नहीं है जल्दी बताओ मैं एक बार पिन कर रहा हूं बच्चे में कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है देखो मैंने ना पिन कर दिया बच्चे इसको ये लो कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन है बच्चे रेस्ट्रिक्शन देख लो कौन कौन सी आर्टिकल 19 दो बच्चे अलाउ करती है

हिजाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नोट ऑफ रिलीजन कैन बी कब्ड चल रहा है ना हिजाब वाला इशू चल रहा है ना मामला अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है न्यूज को रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो हिजाब के संकुर ऑलरेडी मैं दो तीन क्लासेस में बता चुका हूं आर्टिकल 25 से 28 है अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 है बच्चे अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट right? उसके अंतर्गत मैं कुछ भी पहनू ऐसा मतलब जो हिजाब पहन रहे मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं कुछ भी पहनू अपने मेरे मैं आई एम फ्री मैं कौन सा धर्म अपनाता हूं कौन सी उस, क्या प्रैक्टिस करता हूं मैं आई एम फ्री टू प्रैक्टिस प्रोफेस आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन लेकिन अभी आपको पता है सारा क्यों लड़ा जा रहा है मुद्दा तो अभी ये वो आया था बच्चे कर्नाटका अटोर्नी जनरल ने बोला कि भाई साहब एडवोकेट जनरल ने बोला कि चर्चा इट इज नॉट फ्रीडम ऑफ रिलीजन इट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्यों लाना चाह रहे हैं इसको बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन लग सकती है बच्चे प्रियांशु बिल्कुल सही बोल रहे हो आप प्रियांशु बिल्कुल सही बोल रहे हो इसी इसी चीज को तो लेते हुए बोला कि भाई इट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इट कैन बी कब्ड सर वॉर स्टार्ट हो चुकी है रशिया यूक्रेन में मुबारक हो अभी पढ़ लो तुम राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है बच्चे राइट टू प्राइवेसी देखो मेरी क्लास में ना कमेंट सेक्शन में आप एक्टिव होने चाहिए दो काम आपको करने हैं एक तो जो आपसे पूछ रहा हूं आपको सारे जवाब देने हैं चाहे वो होमवर्क हो चाहे लाइव क्लास में हो ठीक है जी इसके अलावा आपको जरूर से लाइक और शेयर करना है जो मैं एफर्ट कर रहा हूं आपके लिए इतना शानदार कंटेंट ला रहा हूं तो आप अपने भाइयों बहनों को जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसको शेयर जरूर करना है बस दो चीज आपसे मांगता हूं मैं। और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली ऑब्वियस है राइट टू प्राइवेसी इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल इक्कीस राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत आए बच्चे राइट टू प्राइवेसी अब देख लो इस राइट टू प्राइवेसी का यूज कैसे कैसे हो जाता है दिल्ली में बहुत ही फेमस चीज है कैमरे 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 तो जी अब बोला कि हम स्कूल के क्लासरूम से भी कैमरे लगा देंगे तो भाई साहब कोर्ट पहुंच गए बच्चे बोला सीसीटीवी इन द क्लासरूम विदाउट कंसेंट राइट टू प्राइवेसी अब आप एक बात बताओ इस पर मुझे आपको ओपिनियन चाहिए क्या क्या क्लासरूम्स में कैमरे लगाना राइट और नॉट खैर इसमें बहुत लंबे लंबे होमवर्क मत समझना इसको अभी यहीं पे बता दो बस जो है यहीं पे बता दो बस जो है बिकॉज इस ये मुझे लगता है आपके में पूछा जाएगा ठीक है ये चीज मुझे थोड़ी सी वो लगी आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा योगी जी ने प्रोमिस करा नौ सौ रुपए पर मंथ देंगे पर काउ टू द फार्मर्स जिसके पास काव होगी जो बेसिकली काव को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेम ऑफ काव प्रोटेक्शन नौ सौ रुपए पर काव दिए जाएंगे फार्मर को नौ सौ रुपए पर काव दिए जाएंगे फार्मर को मेरा आपसे क्वेश्चन ये है क्या इस टाइप के प्रोमिस शुड बी अवर पोल प्रोमिस आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन क्या इस टाइप के प्रोमिस शुड बी योर पोल प्रोमिस राइट डाउन योर इन द कमेंट सेक्शन सही गलत एक दूसरे को गलत सही कुछ नहीं बोलना आपको सिर्फ अपना ओपिनियन लिखना है क्या इस टाइप के प्रोमिस शुड बी पोल प्रोमिस इफ यस वाई इफ नो वाई इफ यस वाई इफ नो वाई और सुनो बिल्कुल अंधे होकर आंसर नहीं देना है सोच समझ के लॉजिकल पॉइंट्स मुझे आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए होंगे कि सर इट इज राइट बिकॉज ऑफ दिस 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 पॉइंट रिलीजियस हमारा रिलीजन है एंड बहुत सारी बातें कोई बोलेगा इट इज नो तो फिर वो उसके रिगार्डिंग कुछ बात बोलेगा मुझे अच्छे पॉइंट चाहिए बहसबाजी नहीं चाहिए कमेंट में अपने अच्छे पॉइंट सोच समझ के आप बताओ सोच समझ के बताना अच्छा एक लाइन लिखना लेकिन सोच समझ के लिखना किसी ने अगर उल्टी सीधी लाइन लिख दी आई विल अवे ब्लॉक सोच समझ के लिखना कि सर ऐसा होना चाहिए क्यों होना चाहिए बिकॉज मेरा धर्म है मैं जैसा कि आपने बताया आर्टिकल 25 के अंतर्गत मेरे पास फ्रीडम है फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें है ना दूसरा दूसरा एडवर्स पॉइंट क्या हो सकता है नहीं सर मेरा देश सेक्युलर है तो मुझे किसी एक धर्म को खास तवज्जो नहीं देनी चाहिए फलाना ढिमकाना जो भी आप बोलना चाहे ठीक है कोई आर्टिकल 48 का सारा लेना चाहे दैट इज आल्सो गुड अखिलेश यादव ने अच्छा पॉइंट वो करा है अखिलेश यादव वो वाले नहीं मेरे चैट में है अखिलेश यादव कभी सोचो अखिलेश यादव वो वाले ठीक है जी आर्टिकल आर्टिकल, 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 आर्टिकल बच्चे अच्छा पॉइंट दिया अखिलेश यादव ने वेरी गुड ठीक है तो बच्चे ये आज का कंटेंट रहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है कमेंट सेक्शन में पिन है लिंक करंट अफेयर विद सुमित सर टेलीग्राम चैनल का वहां पे इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर रहा हूं आप अभी मैं इसके साथ साथ अगले जो कल का सेशन है उसको मैं शेड्यूल कर रहा हूं जरूर आप उस सेशन को लाइक करें बहुत मेहनत लगती है बच्चे सुबह सुबह उठ के आपको तीस मिनट में, में मेरी कोशिश रहती है कि ओवरऑल एक पूरा बढ़िया लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर कर दूं ठीक है तो जी आपका सपोर्ट मांगता है आपका सपोर्ट मांगता है बच्चे प्लीज लाइक शेयर ये मैंने डाल दी बच्चे करंट अफेयर विद सुमित सर चौबीस सौ बच्चे के आसपास जुड़ चुके हैं साढ़े तेईस सौ अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं फॉर पी डीएफ जो टेलीग्राम चैनल मेरे हिसाब से मामले खत्म करते हैं बहुत ही अच्छा रहा बहुत ही अच्छा रहा बच्चे ठीक है आ, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि, कि, कि किस तरीके से आप लोग कनेक्टेड रहते हैं बच्चे ओवरऑल जो कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं बहुत ही अच्छी फीलिंग है कीप ऑन डूइंग दिस मुझे आप थोड़ा सा टाइम दो पाँच छह महीने बाद अगर लगातार ये एक्सरसाइज आप चलती रही और आप लगातार इसी तरह से होमवर्क करते रहे मैं आपको गारंटी देता हूँ सारे लोग एक्सपर्ट हो जाओगे सारे लोग ज्ञान बांटोगे तो फिर मेरी तरह मैं आपको बता रहा हूँ मैं पाँच छह महीने लगातार आप एक्सरसाइज कर लो ये कि मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ जो समझा रहा हूँ अगर आप एक्सपर्ट ना बन जाओ तो बताना मुझे जब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखना ये आपको क्लास कितनी बेनिफिट देगी Bye-bye. Take care.